Finally, we are a buggy dude. Don't know what I'm going to do. गूगल मैप में दिया है हमें धोखा। ये मेरे से पहला राइड था जो हम लोग मतलब रात को ट्रेवल किया। सो गाइस गुड आफ्टरनून, आज जो वीडियो में डायरेक्ट मोटर ब्लॉग से स्टार्ट कर दियो बिकॉज कुछ रीजन से और क्या रीजन से वो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। आज है आपका एपिसोड 4। हाफ ऑफ द अपर असम हम लोग ने ट्रेवल कर लिया और थोड़ा अरुणाचल भी घूम लिया। तो अभी सोच रहे हैं दूसरा रूट से जाते हैं, डिब्रूगढ़ होके आपका बोगीबिल होके नॉर्थ लखीमपुर और कुछ कुछ आगे जो भी जगह है। सो वो सब होकर जाते हैं, होकर जाने के बाद हम लोग का और आगे दूसरा प्लान है, वो प्लान क्या है आप लोग को इस वीडियो में पता चल जाएगा। और आगे आप लोग को क्या बहुत जो है मैं दिखा सकता हूँ दिखा दूंगा, और आगे साथ से बोगीबिल भी है। सो आज बोगीबिल भी देख ही लेंगे और आप लोगों को भी जो दिखा दूंगा। सो अपना जो इंट्रो है वो मैं दे देता हूँ। नमस्ते भाई रिपोन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेरी चैनल, दिस इज K01 बाइकर्स। और मैंने राइड से आने से पहले एक पोल दिया था अपने इंस्टाग्राम पे दैट अरुणाचल और एल्स अपर असम, दोनों में से अच्छे 50-50 था। तो अपर असम भी हो गया, अरुणाचल भी हो गया, अरुणाचल फुल नहीं हुआ बट थोड़ा से वो थोड़ा एकदम थोड़ा। और माइडिया पे मैं आप लोगों को स्नो नहीं दिखा पाया, सो कुछ जो है पक रहा है मेरे इस चैनल पे। जो टोटल किलोमीटर है हम लोग का गुवाहाटी से रोइंग से आपका माइडिया, माइडिया से हुनली, अभी टोटल आपका हो गया 900 किलोमीटर। सो अभी देखते टोटल जो राइड है वो कितना किलोमीटर का बनता है। सो अभी जा रहे हैं, अच्छा अच्छे देखते कहाँ स्टे करना है हमें। भालुकपुंग में शायद से हमें स्टे करना होगा, और आप लोगों को तो भालुकपुंग सुनकर पता चल ही गया होगा दैट मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो अगर पता चल गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे को कमेंट करके बताना दैट नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो क्या चीज़ के ऊपर होने वाला है। और अनिनी के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ दैट हम लोग अनिनी किस लिए नहीं गए, उसमें भी मैंने बताया था बट शॉर्ट थोड़ा सा बताया था दैट वो जगह जो है बहुत ही डेंजरस था। पर डेंजरस है, हाँ सभी जगह डेंजरस होता है। और उसके ऊपर से क्या था वहाँ पे मतलब नेटवर्क ही नहीं था, हम लोगों को लगा था थोड़ा बहुत जो नेटवर्क मिलेगा एटलीस्ट हम घर पे कॉल कर सकेंगे, वहाँ पे जाकर जो न अपना नेटवर्क है न वहाँ पे रहने वालों का नेटवर्क था। सो गाइस बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था और दो दिन हम लोग विदाउट एनी नेटवर्क, और हम लोगों ने मतलब घर पे भी कॉल करके बताया नहीं था बट हम लोग ऐसा जगह जा रहे हैं वहाँ पे मतलब नेटवर्क नहीं मिलने वाला है। घर वाले फिर अपने दोस्तों को मतलब बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ गए थे। सो हम लोगों ने अपना जो प्लान है जल्द से जल्द उन्हीं से रिटर्न आकर रोइंग पे घर वालों को सभी को कॉल करके बताने था। तो अगर आप लोग प्लान कर रहे हो आने नहीं जाने का तो गाइस BSNL का जो सीन है वो लेकर चलो लेकर। साइकिलिस्ट ये लोग भी लग रहा है बहुत दूर से जो है अपने साइकिल राइड करके आ रहे हैं। लाइफ में बस इतना ही अमीर होना है, एक टैंकर जो है हमारे साथ ही रहे 24/7 जब हम राइड पे रहे। और मैंने तो आप लोगों को बोल दिया भालुकपुंग, तो अगर वहाँ पे कुछ कोविड वोविड का प्रॉब्लम नहीं होता तो हम लोग जो क्रॉस करते हुए जाएंगे। और आप लोगों को तो पता ही होगा भालुकपुंग क्रॉस करने के बाद जो क्या आता है क्या। और अगर वहाँ पे कुछ कोविड का प्रॉब्लम्स वगैरह रहा तो हम लोगों को लेना पड़ेगा रिटर्न गुवाहाटी की तरफ। सो अगर रिटर्न लेना पड़े तो ये जो रहेगा आप लोगों का लास्ट एपिसोड आप लोग देख रहे होंगे, और अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो जाकर चेकआउट कर सकते हो। चेकआउट यहाँ से राइट लेते हैं तो हम लोग पहुँच जाते हैं डिब्रूगढ़ टाउन। तो हमें डिब्रूगढ़ टाउन नहीं जाना है, यहाँ से 18-15 किलोमीटर पे हम लोग लेंगे राइट टुवर्ड्स बोगीबिल। और मैं मतलब बीच में वीडियोस नहीं बना रहा था बिकॉज मैं मतलब फिर से जो पुराना रास्ते पे ब्लॉगिंग करने का मन नहीं था। सो नया रास्ते पे ब्लॉगिंग करने में मतलब बहुत ही ज़्यादा मजा आता है, सो मैंने ओल्ड रास्ता जो था वो सब को स्किप करके नया रास्ता में डायरेक्टली जो है आ गया हूँ। सो गाइस फाइनली वी आर एट बोगीबिल। तो इस राइड के दौरान तो मैंने बहुत सारा नया नया ब्रिज के ऊपर आया। सो बोगीबिल फिर आपका धोला सद्या फिर आपका कुछ एक डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु। ओ हो धोला सद्या और भूपेन हजारिका सेतु तो सेम ही है। सो ये देखिए नज़ारा एंजॉय कीजिए अपने बोगीबिल का। ये रात के टाइम पे और भी ज़्यादा सुंदर लगता होगा बिकॉज यहाँ का जो स्ट्रीट लाइट है वो देखिए, जब ये लाइट जलेगा तब तो गाइस और भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा ये जो बोगीबिल। बेवजह ना खुद को दे सजा।
सितारे तेरे लिए रुका रास्ता हाँ यही दुआ चलता रहे ये सदियों का काफिला हाँ नहीं हुआ आसमां से दूर रहना नामुमकिन सा हुआ। देखिए लेफ्ट साइड पे सब लोग जो अपने अपने फोटोज वगैरह जो है क्लिक करवा रहे, तो हम लोग आज यहाँ पे रुकेंगे नहीं बिकॉज हमें आज जाना है तेजपुर यहाँ से डायरेक्ट। सो अगर यहाँ पे रुक गए तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए हम लोग निकलते हैं यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग को जाना है और वहाँ पे चेक करना है दैट कोविड का कुछ एक प्रॉब्लम है या फिर नहीं व्हाइल एंटरिंग अरुणाचल प्रदेश। सनराइज देखो यार, सनराइज देखो, वाओ। और आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट करके बताना दैट ये जो है इसमें बाइक में कैसा लग रहा है। सो मैंने आज इसको फर्स्ट टाइम लगा और आप लोगों को जो फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा होगा मेरे इस वीडियो पे, सो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताना जरूर से। ये रास्ता जो शॉर्टकट है हालुकपुंग के लिए 307 किलोमीटर से यहाँ से, और अगर हम लोग ऊपर से जाते वो था आपका 357 किलोमीटर, सो 50 किलोमीटर शॉर्टकट। सो देखते हैं ये जो रास्ता है सही है या फिर नहीं बिकॉज हम लोग अभी जो गूगल मैप के द्वारा जा रहे हैं। गूगल मैप तो आप लोग को भी पता ही है दैट कितना बड़ा बड़ा धोखा देता है गूगल मैप, कितना बड़ा बड़ा। सो होप सो तो जो रास्ता है करेक्ट हो, हम लोग जो सनसेट को जो चेस कर ले दैट सनसेट से पहले जो अगर हम लोग भालुकपुंग पहुंच जाते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हम लोगों ने मतलब रोइंग से डायरेक्ट कंटिन्यूस बाइक चलाया है, सो एक बार भी नहीं रुका बिकॉज हमें आज जाकर जो इन्फॉर्मेशन लेना है भालुकपुंग। सो कैसे ऐसा लग रहा है दैट गूगल मैप ने दिया है फिर से हम लोगों को धोखा। सो आगे जाकर किसी से पूछते हैं दैट इधर से जो धेमा जी का रास्ता है वो निकलता है या फिर नहीं। अच्छा तो चलो गूगल मैप ने फाइनली फिर से जो दे दिया है धोखा, तो अभी यहाँ से लेते यू टर्न। अगर गूगल मैप ऐसा करेगा तो फिर से जो है गूगल मैप ने दिया है हमें धोखा। प्रियम भाई ले लो यू टर्न जितना जल्दी हो सके बिकॉज हम लोगों ने अपना जो 5 to 8 किलोमीटर से यू ही बर्बाद किया है। चलो चलो दिशा है गूगल मैप पे आरू। बहुत देर के बाद जो एक माइलस्टोन मिला है विश्वनाथ साड़ियाली आपका 235 किलोमीटर, लखीमपुर 96, शिलापथर 9, जोनाई 73। चलो विश्वनाथ का तो मिल गया माइलस्टोन, एक मन में जो शांति है वो मिल चुका है। और लखीमपुर पे जाके हम लोग का जो फर्स्ट स्टॉपेज होगा वो हम लोग ओ लखीमपुर पे जाके हम लोग अपना लंच करेंगे। अभी 76 किलोमीटर से यहाँ से ऐसा रास्ते में चला के बहुत ही डर लगता है यार। ये जो रास्ता जो कटा हुआ है तो पूरा अपना टायर स्किड करता है, सो ये बहुत ही डेंजरस है और इस पे जो पंचर होने का भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहता है। चलो ज़्यादा दूर तक नहीं था, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता, ज़्यादा डिस्टेंस का ऐसा ही रास्ता रहता। तो हम लोगों ने अभी जस्ट धेमा जी क्रॉस किया और लखीमपुर जो वो भी पहुँचने वाले, सो वहाँ पर जाकर जो अपना लंच करते बिकॉज हम लोगों ने सुबह रोइंग में ही अपना जो ब्रेकफास्ट था वो किया था और अभी जाकर जो अपना लंच करते हैं। स्लोली जो अंधेरा होने ही वाला है और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत जो ठंड का जो फील है वो भी आ रहा है थोड़ा बहुत। यहाँ पे ऐसा छोटा छोटा ब्रिजेस जो बहुत सारा और बहुत ही सुंदर सुंदर ब्रिज है, पूरा मतलब एकदम क्लीन और कलर्ड, बहुत ही सुंदर लगता है ऐसा देखने में। यहाँ का जो रास्ता है शिव सागर वाले रास्ते से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे एक खास बात है डाइवर्सन नहीं है, डाइवर्सन होता तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता हमें तेजपुर जाने में, सो ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है डाइवर्सन नहीं है यहाँ पे। तो वैसे भी हम लोग का जो ब्रेकफास्ट था हो चुका है और ब्रेकफास्ट देखिए कब हो रहा है इतने रात को बिकॉज हम लोगों ने जो कंटिन्यूस बाइक चलाया और अभी जा रहे हैं तेजपुर। सो अभी हम लोग है लखीमपुर और यहाँ से तेजपुर कितने किलोमीटर यहाँ पर, सो तेजपुर यहाँ से 230 किलोमीटर। सो हम लोग जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट जो है तेजपुर पे मिलते हैं। सो लेट्स गो बिकॉज मैं रात को ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करूँगा बिकॉज अंधेरा हो चुका है और आप लोग को जो है कुछ
अच्छा भी नहीं रहेगा, आप लोग हो जाओगे बोर। सो अभी यहाँ से निकलते हैं डायरेक्ट जो तेजपुर पे मिलते हैं और भालुकपुंग देखते क्या होता है वहाँ पे, कुछ कोविड का प्रॉब्लम आता है या फिर नहीं। सो लेट्स गो। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गोहपुर में और ये मेरा जो पहला राइड था जो हम लोग मतलब रात को ट्रैवल किया और इसका जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था। और हम लोग इसके आगे भी जाते हैं, हम लोग को बता रहे थे हम लोग जाएंगे तेजपुर, बट अभी थोड़ा बहुत जो बारिश दे रहा है सो हम लोग तेजपुर नहीं जा रहे। अभी यहाँ पे 2-3 कप चाय वगैरह पीते और देखते हैं बारिश जो है कब रुकता है। और आप लोगों को जो है स्टे ट्यून रहना पड़ेगा, आप लोगों को नहीं रहना पड़ेगा बिकॉज आप लोग तो अभी स्किप ऑन हो जाओगे दूसरे सीन पर, बट मेरे को जो स्टे ट्यून रहना पड़ेगा यहाँ पे बिकॉज अभी हो रहा है बारिश और हमें मतलब अपने जो गियर से वो वेट नहीं करना है। सो अभी देखते हैं कितना बजे जो ये बारिश रुकता है। 3 पगला मिला था 10 किलोमीटर छोटा रास्ता। तो गाइस मैं आप लोगों को लास्ट मिला था गोहपुर में जब बारिश दे रहा था तब, और हम लोग का मतलब प्लान जो था तवांग जाने का, भालुकपुंग जाने का, वो तो भाई कैंसिल हो गया बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया था दैट अगर कोविड का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहा तो हम लोग जो है भालुकपुंग एंटर करेंगे। तो वहाँ पे जो है कोविड का प्रॉब्लम था तो हम लोगों ने जो है वहाँ एंटर नहीं किया बिकॉज अभी हम लोगों ने बहुत दूर दूर तक ट्रैवल किया था। सो अगर वहाँ पे जाकर अपना कोविड वोविड चेक करवाते तो कोविड का तो आप लोगों को पता ही है पंगा क्या होता है। बट हम लोग जब रोइंग की तरफ गए थे वहाँ पे हमें कोई भी कोविड का जो रिपोर्ट है वो नहीं चाहिए। रोइंग का जो पास है और तवांग जाने का पास है दोनों ही अलग अलग पास है। अरे भाई साहब, तो तवांग जाने का जो प्लान है वो हम लोग करेंगे अक्टूबर में और अभी जा रहे हैं डायरेक्ट घर गुवाहाटी की तरफ। तो ये होगा मेरा लास्ट एपिसोड आप लोगों के लिए। ये जो राइड था मेरे लिए तो बहुत ही मेमोरेबल राइड था और मैंने मतलब बहुत ही अनसीन जगहों को भी देखा अरुणाचल का। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन गुड बाय।